देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये केदारनाथ में आया हुआ है एवलांच का वीडियो, जहाँ पे काफ़ी लोग बर्फ़ के नीचे दब के फंस गए थे और काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी इसमें। मैंने सोचा इसकी रियलिटी बता देता हूँ कि मैं खुद केदारनाथ जी की यात्रा पर था तो मैं इस पर वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन अभी जब ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ तो सोचा इसकी रियलिटी भी बताया जाए। ये जो वीडियो है जिसको केदारनाथ का बताया जा रहा है, जब ये वायरल हुआ तो वहाँ के जो DGP थे उन्होंने क्या बयान दिया, सुनिए। हमें ज्ञात हुआ है कि जो श्री बद्रीनाथ जी में कोई अवलांच हुआ है करके विभिन्न सोशल मीडिया का माध्यम से जो है एक भ्रामक सूचना जो है फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठी सूचना है। ये जो वीडियो ये तस्वीर उसमें दिखाया जा रहा है ये 4 अप्रैल 2023 को जो सिक्किम में जो हुआ अवलांच उसी बारे में संबंधित है, ये बिल्कुल भ्रामक सूचना है। इसका जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है उत्तराखंड पुलिस द्वारा इसमें जो भ्रामक सूचना फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है, और हम सभी श्रद्धालुओं से और सभी यात्रियों से हम अनुरोध करते हैं इस टाइप का भ्रामक सूचना को विश्वास ना करें, और जो भी सही सूचना है वो हमारा उत्तराखंड पुलिस का जो सोशल मीडिया पेजेस है उत्तराखंड पुलिस का नाम से जो फेसबुक ट्विटर इंस्टा में अवेलेबल है उसमें जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो हम तुरंत अपडेट कर रहे हैं। इसलिए जो है इस टाइप का विभिन्न माध्यम से जो भ्रामक सूचना फैलाया जा रहा है इसका बिल्कुल विश्वास मत करिए, और हमारा फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा हैंडल को फॉलो करके सही सूचना प्राप्त करके अपना यात्रा को सुगम बनाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। तो आपने सुना है जो वीडियो है वो इंडिया का है ही नहीं, बाकी जो लोग इसे केदारनाथ या बद्रीनाथ से जोड़कर गलत अफवाह फैला रहे वो सरासर गलत है। हालांकि केदारनाथ में बर्फ़ का ग्लेशियर आया था लेकिन वहां पर किसी के दबे होने की संभावना नहीं थी। दूसरी बात, वहां पर जिन लोगों की डेथ हुई है हाल फिलहाल में या तो उनके इंटरनल प्रॉब्लम थी या फिर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। ये जो वीडियो है ये तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है और गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। मैंने सोचा इसकी रियलिटी बता देता हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। हालांकि केदारनाथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपडेट में देता रहा हूँ कंटिन्यू, वेदर रिपोर्ट भी, तो बाकी केदारनाथ अभी ना करें वो ज़्यादा बेटर।